सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो ट्रेन की है। ट्रेन के अंदर एक चाचा नमाज पढ़ रहे हैं सीट के ऊपर और उनके बगल में कुछ तीन चार बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इन बच्चे के अंदर समझदारी नहीं है, पागल है, इनके मम्मी पापा इन्हें संस्कार नहीं दिए हैं। वहीं एक रिपोर्टर है प्रज्ञा, वो ये बोलती है कि ये बच्चे को जो मानसिकता से ग्रसित है, इनको इस मानसिकता से ग्रसित करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो समाज के अंदर ऐसे जहर घोल दी है कि इन बच्चों को थोड़ा सा भी समझ नहीं है, संस्कार नहीं है कि जब किसी और धर्म के लोग नमाज पढ़ रहे हों तो उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं किया जाता है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो दूसरे वर्ग के लोग ये बोल रहे हैं कि जब ये बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इतनी उम्र होने के बावजूद भी इनके अंदर समझदारी नहीं है कि जब बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हमें बीच में नमाज पढ़ के इनके हनुमान चालीसा को, इनके आराध्य को क्यों भंग कर रहे हैं। दो तरह की मानसिकता है। और तीसरे तरह की मानसिकता और तीसरे विचारधारा ये है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और इसके अंदर दोनों धर्मों का उतना ही सम्मान है और दोनों धर्मों के बीच इतना प्यार और स्नेह है, जो ट्रेन में वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखने से मिलता है। क्योंकि एक तरफ नमाज पढ़ा जा रहा है, दूसरे तरफ हनुमान जी का चालीसा पढ़ा जा रहा है और दोनों का ये प्यार दर्शाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यहाँ पे दोनों धर्मों का वही आदर सम्मान दिया जाता है। आपके नजर में ये वीडियो देखने के बाद क्या आया है, आपका विचारधारा क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।